ये भी मलाई की है, ये तेज मसाला का। अच्छा, तेज मसाला है। मसाला अच्छा, अच्छा, क्या बात है। ताकि पूरा जो मसाला है वो बराबर हो जाए। कोई तेज हाँ 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 तैयार है ये। क्या बात है, तैयार हो गई हमारी पापड़ प्याज की सब्जी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। अब हम लोग जाएंगे वेज खाना खाने के लिए। अब हम लोग जाएंगे महादेव के ढाबे पे, जो कि अना सागर पे लोकेटेड है। उनकी पापड़ की सब्जी बहुत ज़बरदस्त वो बनाते हैं। चलिए सीधा चलते हैं महादेव का ढाबा अनार सागर के पास में और वहाँ जाके पापड़ की सब्जी ट्राई। चलिए फिलहाल हम लोग जाएंगे अनार सागर महादेव का ढाबा में, महादेव के ढाबे में जाके हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। अजमेर क्या है भाई, अलग है माशाल्लाह, उसका मजा आ गया। है क्या सोने का मंदिर है? सोने का मंदिर, अच्छा। देखिए आप, ये कौन सा जगह भाई साहब? चौराया चौराया चौराया। हम लोग जा रहे हैं ऐसे महादेव के ढाबे पे, वहाँ पे जाके हम लोग लंच करेंगे इंशाल्लाह। ये अनार सागर, ये अनार सागर का रास्ता है। यहाँ से आप अनार सागर जा सकते हैं। बहुत बड़ी लेक है यहाँ पे। हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए अनार सागर के पास में पार्क बना है, बहुत बड़ा पार्क है। आप यहाँ पे वॉकिंग भी कर सकते हैं अगर रुके तो। आते हैं यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए। ये महादेव का ढाबा ना, ये देखिए महादेव का ढाबा अना सागर के पास में। चलिए यहाँ जाके हम लोग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ की पापड़ की सब्जी बहुत फेमस है। चलिए 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 साहब, चलिए चलिए ढाबा का ढाबा। हाँ महादेव, बस हम लोग महादेव के ढाबे पे आ चुके हैं। इनकी लोकेशन अना सागर पे है। लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे चल के पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं और हम लोग पापड़ की सब्जी ट्राई करेंगे। चलिए पूरा सिटी का एरिया है, किसी भी हम लोग पूरा नहीं करेंगे ताकि हम आराम से। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग फिलहाल अजमेर में, माशाल्लाह आप लोगों को पता ही, हम लोगों ने काफ़ी वीडियो शूट यहाँ पे किए होंगे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। इनकी जो लोकेशन है एकदम अना सागर के यहाँ पे, हम लोग लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम लोग पापड़ और की सब्जी लेंगे, पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपको बता देंगे यहाँ का खाना कैसा लगा। चलिए पूरा मेन्यू दिखाते हैं उसके। ये देखिए इनका पूरा मेन्यू हमारे सामने, देखिए प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। मलाई कोफ्ता हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, छोले भटूरे हो जाएंगे, पनीर पनीर स्पेशल डिशेज, चना मसाला इनके पास है, मशरूम हो जाएगा, दाल फ्राई है, दाल दही 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 के भी आइटम आपको मिल जाएंगे, आलू के आपको मिल जाएंगे, मसाला रोटी इनके पास है, नान हो जाएगा। ये देखिए पूरा हमने मेन्यू आपको दिखा दिया है। चलिए ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हम लोगों ने पापड़ प्याज का ऑर्डर किया। चलिए किचन में चलते हैं और ये सब्जी कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए तो बस हम लोगों की जो पापड़ प्याज की सब्जी वो भाई साहब लगा रहे हैं। देखिए ये काफ़ी पुराना ढाबा है, 45 साल से ढाबा, अजमेर का सबसे पुराना ढाबा है। और हमने यहाँ का जो पापड़ प्याज की जो सब्जी वो काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी लोगों ने हमको बोला भी यहाँ पे जाके आप जरूर ट्राई करें। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे अना सागर के आसपास है, फिर भी आपको लोकेशन डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। देखिए प्याज पे ये भून रहे हैं। क्या नाम है आपका? केसर भैया। कितने टाइम हो गया आपको काम करते हुए? बहुत टाइम हो गया। हाँ वो तो दिख रहा है, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना। क्या बात है, 30 साल हो गए इनको, 30 साल यहाँ पे और 45 साल ढाबे को हो चुके हैं।
तो 30 साल से अगर कोई कुक यहाँ पे खाना बनाया तो टेस्ट वही सेम के सेम रहेगा, इसलिए आज यहाँ पे काफी इनका नाम भी है। ये हमारी ये किसकी अच्छा पूरी मलाई की ग्रेवी, क्या जबरदस्त यार, पूरी मलाई की ग्रेवी है। यहाँ के जो ओनर है वो उन्होंने हमको बताया ये पापड़ को मैच किया है इन्होंने, और जो मलाई की ग्रेवी उसके साथ में इन्होंने इसको मर्ज कर दिया है। तो मलाई की ग्रेवी तो टेस्ट जबरदस्त होने वाला है। ये देखिए ये किसकी ग्रेवी है, ये भी मलाई की है, ये तेज मसाला का, अच्छा तेज मसाला है ये, अच्छा अच्छा क्या बात है, ताकि पूरा जो मसाला है वो बराबर हो जाए। हाँ तैयार है ये, क्या बात है, तैयार हो गई हमारी पापड़ प्याज की सब्जी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। देखिए पापड़ की सब्जी तैयार, पूरी मलाई की ग्रेवी में इन्होंने बनाई है, और साथ हमारी रोटी देखिए एकदम फ्रेश लेके आए भाई साहब। चलिए इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है जो इन्होंने जो मलाई की जो ग्रेवी यूज़ की इसमें, काफ़ी ज़बरदस्त। इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन इन्होंने जो पापड़ और प्याज की जो कॉम्बिनेशन दिया वो काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, काफ़ी मज़ेदार खाना इनका। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद जाएंगे। तो बस हम लोगों ने हमारी जो पापड़ प्याज की सब्जी वो ख़त्म कर ली है माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त थी। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट सकें। आप यहाँ अजमेर आएँ तो ये जो पापड़ और प्याज की सब्जी वो जरूर ट्राई करें माधव के ढाबे पे। चलिए यहाँ पे आप लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। खदाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।